उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में प्री मानसून की दस्तक के बाद से जिला आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में कपकोट ब्लॉक और तहसील आपदा की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील है। अमूमन इस तहसील में मानसून के दौरान लैंडस्लाइड, पुलों का टूटना या फिर मोटर मार्ग बंद होने जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं इस साल जिला प्रशासन के लिए दोहरी चुनौतियां सामने हैं। कोरोना काल के साथ आपदा काल दोनों से ही कैसे निपटा जाए, इस बार प्रशासन के सामने चुनौती बने हुए हैं। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को भूस्खलन वाले स्थानों को चिन्हित कर जेसीबी मशीनों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य और ग्रामीण मोटर मार्गों के बंद होने की दशा में वैकल्पिक मोटर मार्गों को भी दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण अंचलों के पुरुष और महिला दलों के अध्यक्षों के मोबाइल नंबर आपदा प्रबंधन केंद्र में उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपने मोबाइल नंबर भी थानों और तहसीलों में उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि आपदा के समय संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा सके। जनपद में देख रहे हैं कि लगातार बारिश भी, हमारी मॉनसून स्टार्ट हो गया और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, इसलिए हमने सभी जो हमारी जिला स्तरीय कार्य योजना बनती है वो तैयार कर ली है, जिसमें सभी सड़क विभाग की, खाद्यान्न की या शिक्षा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजनाएं सबकी संकलित करते हुए कार्य योजना तैयार की गई है। और सभी हमारी तहसीलों और थानों को हमने अलर्ट में रख रखा है और सबके जो इक्विपमेंट्स हमने वितरित किए गए हैं सबको बोल रखा है कि सब वो एक्टिवेट पोजीशन में रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास अभी शासन से हमको खोज बचाव के दो हमको ट्रेनर्स भी मिले हैं, जिनमें से एक ट्रेनर को हमने कपकोट तहसील के लिए और एक हमने बागेश्वर के लिए रखा है। कहीं पर भी कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो फिर ये ट्रेनर्स भी पुलिस के साथ या फिर जो हमारी जितने रेस्क्यू की टीम है उनके साथ रिस्पॉन्स करेंगे। वहीं स्वयंसेवी संस्थाओं और रेड क्रॉस सोसाइटी से भी आपदा के दौरान सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही चिकित्सा विभाग को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन रक्षक दवाइयों, एम्बुलेंस की व्यवस्था और पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सा के लिए दवाइयों की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। हालांकि जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है, जिसका टेलीफोन नंबर भी जारी किया। साथ ही आपदा की दृष्टि से जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील ग्रामों को चिन्हित कर लिया गया है। आपदा के समय वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनपद में हेलीपैड स्थल चयनित किए गए हैं। मुख्य मोटर मार्ग के बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित किया गया है और मोटर मार्गों के अवरुद्ध होने पर जेसीबी, टिप्पर, डोजर, फोगलैंड आदि की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।